हेलो दोस्तों, आरबीआई की तरफ से आ रही है एक बहुत बड़ी खबर जिसमें आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। देखिए, आरबीआई एक ऐसी संस्था है जो हमारे इंडिया में बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए जवाबदेह है। अभी हाल ही में पेटीएम बैंक को तो बिल्कुल बंद करने की बात उसने कह दी। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, डिटेल वहां देख सकते हैं आप। दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के यूजफुल वीडियोज आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और इस वीडियो के इस लिंक को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा जो इस खबर को सुनना या समझना चाहते हैं। देखिए, ऊपर की बात करें तो न्यूज तो यही है कि 2 करोड़ का जुर्माना एसबीआई पर लगा। और एक आम जनता की तरह देखें तो हमने बताया कि आरबीआई की जिम्मेदारी है इन बैंकों को सही से चलाना, और ये जनता के हित में भी है। अगर आरबीआई इतना टाइट रहेगा तभी बैंक बढ़िया से रेगुलेटेड इन्वायरमेंट में काम करेंगे। और अगर हम रेगुलेटेड एंटिटी की बात करें तो कुछ रेगुलेटेड एंटिटी मेरी अपनी ओपिनियन में अच्छा काम नहीं कर रही हैं। जैसे हम बात करते हैं ट्राई की, टेलीफोन से संबंधित इतनी शिकायतें हो रही हैं लेकिन कोई जवाबदेही, कोई सुनवाई वहां पर नहीं हो रही है। लेकिन आरबीआई तो काम बढ़िया कर रहा है, पेटीएम पेमेंट बैंक बंद कर दिया, एसबीआई पर 2 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। और ये 2 करोड़ का जुर्माना जो आम भाषा में कहें तो 2 बातों के लिए लगाया है। पहली बात तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का एक सेक्शन है 19, जिसके सब सेक्शन 2 में कहा गया है कि कोई भी बैंक किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदना, प्लेज करना या उस कंपनी में डायरेक्ट अपनी हिस्सेदारी तय करना, यानी कि एक्सपोजर तय करना, कभी भी 30% से ज्यादा नहीं कर सकता। इसको समझते हैं कि आरबीआई ने ऐसा रूल क्यों बनाया है। अगर बैंक किसी कंपनी के 30% शेयर से ज्यादा अगर वो प्लेज कर ले और वो कंपनी डूब जाए तो यानी कि बैंक का उतना पैसा डूब जाएगा, और 30% जो है उस कंपनी की जो शेयर कैपिटल उसका 30% डूब जाएगा। ऐसे करके अगर 10-12 बड़े बड़े जो एक्सपोजर वाले जो कस्टमर हैं, यानी कि जो कंपनी है, अगर वो डूब जाएंगे तो बैंक के डूबने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। दूसरा जुर्माना जो लगाया है कि बैंकों में जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है, यानी कि 10 साल से कोई लेने ही नहीं गया, 10 साल से ज्यादा समय हो गया वहां पड़े हुए, आप भूल गए, आपके पिताजी भूल गए, आपके रिश्तेदार भूल गए और वहां पड़े हुए, तो बैंक उन पैसों को आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार आरबीआई को भेज देता है। 2014 में स्कीम लागू हुई, ऑडिट करने में इसमें उसने ये फंड भेजने में देरी करी, तो इस तरह से 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। और एसबीआई की पूरी सुनवाई करी, सब कुछ करा, जो ओरल सबमिशन था उसका सब कुछ करा, लेकिन आरबीआई ने पाया कि एसबीआई ने गलती करी है। दोस्तों, अब आगे हम इसी बातों को एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अगर आप जेआईबी सीआईबी की तैयारी कर रहे हैं, प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग नॉलेज चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे पूरा देखिएगा। देखिए, बैंकों को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बना है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की कोई भी बिल्डिंग नहीं है। अब कोई बिल्डिंग नहीं है तो उसने एक काम दे दिया आरबीआई को, भैया हमने नियम बना दिए, कानून बना दिए, आरबीआई को बोला आप इनको लागू करो। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आरबीआई को डिफरेंट तरह की पावर दी गई है बैंकों को लगाम लगाने के लिए, बैंकों को रेगुलेट करने के लिए। तो बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के सेक्शन 19 के सब सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि आरबीआई जो है बैंकों में एक आईएससी नाम का इवोल्यूशन करेगा, जो कि आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 2022 का किया। इसको बोलते हैं स्टेट्यूटरी इंस्पेक्शन फॉर सुपरवाइजरी इवोल्यूशन। और आरबीआई ने बैंक की 2000 मार्च 2022 की फाइनेंशियल जो पोजीशन थी उसको एनालाइज किया। आरबीआई ने बैंक की रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट और अन्य डॉक्यूमेंट को जब देखा तो पाया कि कुछ कंपनियों के 30% से ज्यादा शेयर, यानी 30% जो वो कंपनी जिसके शेयर रखे हुए हैं, मान लिया उस कंपनी की 500 करोड़ की हैसियत है तो उस नेटवर्थ का 30% से ज्यादा एसबीआई ने शेयर जो है प्लेज कर लिए, यानी 500 करोड़ वाली कंपनी के 150 करोड़ के शेयर प्लेज कर दिए। अब मान लिया वो शेयर के डाउन का, अब मान लिया कि शेयर की वैल्यू कम हो जाए तो निश्चित रूप से उतना नुकसान बैंक को उठाना पड़ सकता है। जैसे आप देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां धाराशायी हो जाती हैं। अब बात करते हैं दूसरे जो आरबीआई ने इरेगुलरिटी पाई, तो बीआर एक्ट की सेक्शन 26A का सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग एक डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड बनाया 2014 में। एक स्कीम आई जिसमें 10 साल से ऊपर के जो भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट हैं वो आपको क्वार्टरली आरबीआई को भेजने होते हैं। और इस बात में आरबीआई ने जब पाया कि एसबीआई ने नहीं भेजा, यानी कि एसबीआई इस पैसे को क्रेडिट करने में डिले हुआ या फेल हुआ है, तो इन दोनों सेक्शन में ही आरबीआई को पावर दी गई है जो कि 47A1C
जिसको बीआर एक्ट के सेक्शन 47(4)(1) एंड 51(1) के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। और आरबीआई ने इस पावर का इस्तेमाल करते हुए ये पाया कि नहीं भाई, एसबीआई ने गलती करी है और ये पेनल्टी लगाना ज़रूरी है। और जब भी किसी बैंक पर आरबीआई पेनल्टी लगाता है तो उस बैंक के साथ ये माना जाता है भाई कुछ तो कमी की है, और ये सारा प्रोसेस काफ़ी गहन जाँच के बाद होता है। तो इसमें देखने में ये अच्छी बात आ रही है कि आरबीआई एक अच्छे स्टेप की तरह अच्छे जो है कदम उठा रहा है, और इससे जो है इंडिया में जो बैंकिंग सिस्टम में जो डिपॉजिटर्स हैं उनका जो है हितों का ध्यान रखा जा सकता है, और बैंकिंग सिस्टम, बैंकों में रिस्क, बैंक के फेल होने के चांसेस को भी कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही और जानकारी भरी वीडियो आप तक आती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।